नमस्कार साथियों, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे भाई कि हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन लगे तो लगे, जो सच्चाई है उसके सामना आपको करना पड़ेगा। आपको पता है सऊदी 2030 तक, हर बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, 2030 तक बहुत सारे नियम चेंज करेगा। जी हाँ, लेबर लॉ से रिलेटेड भी चेंज करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जितने वो फिल्म देखी हो ना आपने, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अपने तो अपने होते हैं। जी हाँ, सच्चाई है इस बात का। सऊदी का जो लेबर लॉ, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें पहले से डाल के रखी हैं कि भाई जॉब में ठीक, आप इंडियन आदमी, पाकिस्तानी, कोई भी अदर कंट्री का आदमी वहां पे जॉब कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसमें सिद्धांत में जो वहां लेबर लॉ, उसमें चेंजिंग करके आपको निकाला जा सकता है, अपने लोगों को बिठाया जा सकता है। जी हाँ, और 2030 तक सऊदी का एक टारगेट उन्होंने बनाया कि हम अलग करेंगे, दुनिया से हटके करेंगे, जैसे दुबई ने किया है। जी हाँ, उससे भी हम ज्यादा करेंगे, और इसके लिए हमारे लोगों को सबसे ज्यादा उस चीजों में भागीदारी निभानी होगी। अभी तो आपको क्या है, सिस्टम है यार, वो अपने ख्वाब है ना, बाप की कमाई पे बेटा ऐस कर रहा है, पोता ऐस कर रहा है, पड़ पोते ऐस कर रहे हैं, ऐसा होता है। सऊदी के लोग क्या है, तेल निकल रहा है, सरकार उनको सब कुछ सुविधा देती है, वो बड़े बड़े खा रहे हैं, लेकिन नहीं, सऊदी का टारगेट तेल से पेंडिंग तक खत्म करके अपना कुछ करना, लोगों के माध्यम से सऊदीकरण करना। सऊदीकरण समझते हैं ना, निजीकरण, कि हमारे लोगों को इन लोगों में शामिल किया जाए, ताकि ये कमाएंगे तो फिर इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इसके उसकी जगह आप जॉब कर रहे हो तो आपको फिर निकाला जाएगा। तो सऊदी सरकार ने, मैं बता दूं, अभी ये फैसला किया है कि जो सऊदी का जो लेबर लॉ है, मैं बता दूं, लेबर लॉ की 36 में, जी हां साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ये बातें साफ साफ लिखी गई हैं। फर्स्ट प्रावधान दिया गया है कि ये जो 41 जॉब है, लगभग 40-41 के करीब जॉब है, इनमें अगर आप विदेशी कोई आदमी, गैर मुल्की आदमी, इन जॉबों में, मैं जो आगे लिस्ट में बताऊंगा, आप देख लीजिए कि आप कौन कौन से जॉब में जाना चाह रहे हैं, या फिर पहले से वहां पे जॉब कर रहे हैं, या तो आपको अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, आगे इसमें आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा। जी हाँ, ये 2021 का फॉर्मूला है, बाकी ये लागू कब तक होगा ये अभी तक मेरे पास डिटेल नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज, जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा भाई, इसमें या तो जॉब बदलो या फिर जॉब छोड़ो, आप अपने घर जाओ, क्योंकि इसमें आगे वीजा आपका इकामा है, जिसको बोल सकते हैं इकामा, वो रिन्यू नहीं होगा। जी हाँ, तो 40 के करीब मेरे पास जॉब लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, इसमें अगर हैं तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब से रिलेटेड, कैशियर। जी हाँ साथियों, अगर कैशियर के जॉब में काम कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आगे बात कर लेते हैं कंप्लेंट क्लर्क। जी हाँ, ये ऑफिशियल जॉब में बता रहा हूँ, जो आराम से सऊदियों को ओएसएससी में बैठा के जॉब ये करवाए जाएंगे। आगे बात करें क्लर्क, जी हाँ साथियों, क्लेम क्लर्क, जो क्लेम से रिलेटेड क्लर्क होते हैं, हालांकि मैं आगे प्रोफाइल नहीं बताऊंगा, सिर्फ जॉब के नाम मैं बता रहा हूँ कि इन जॉबों से भारतीय गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा आने वाले टाइम पे। जी हाँ साथियों, बुकिंग क्लर्क, ठीक है। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं कस्टमर ब्रोकर। जी हाँ साथियों, आगे बात कर लेते हैं कस्टमर कॉन्फ्रेंस इम्प्लॉयर। जी हाँ साथियों, आगे बात करें डायरेक्टर ऑफ पर्सनल रिलेशन। जी हाँ साथियों, इसको पांच नंबर जॉब की बात करें डायरेक्टर ऑफ लेबर अफेयर्स। जी हाँ साथियों, आगे आगे नंबर छह नंबर पे अगर जॉब की बात करें तो पेरोल ऑफिसर, एचआर डायरेक्टर, ट्रेनिंग मैनेजर। जी हाँ साथियों, कंपनीज स्टैंड एंड बेनिफिट ऑफिसर। जी हाँ साथियों, की स्पेशलिस्ट, लेबर अफेयर्स मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट जनरल, रिसेप्शनिस्ट हॉस्पिटल, रिसेप्शनिस्ट होटल। जी हाँ, आगे अगर जॉब की बात करें रिजर्वेशन एजेंट है, टूरिस्ट प्रोग्राम डिजाइनर है, ड्यूटी क्लर्क है, एम्प्लॉयमेंट क्लर्क है, एजुकेटिव एचआर मैनेजर है, फीमेल सेल स्पेशलिस्ट फॉर लेडीज शॉप में जॉब करने वाले हैं, हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट है, एचआर मैनेजर है, सीनियर एचआर कोऑर्डिनेटर है। आगे बात करें तो रिक्रूटमेंट क्लर्क है, एम्प्लॉयमेंट क्लर्क है, रिप्रेजेंटेटिव ब्रोकर है, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेनर, स्टाफ अफेयर्स क्लर्क हैं, स्टाफ रिलेशन रिलेशन मैनेजर हैं, स्टाफ रिलेशन स्पेशलिस्ट हैं, इंडिविजुअल अफेयर्स क्लर्क हैं। 33 नंबर पे बात करें तो टाइम कीपर की जॉब है, टाइपिस्ट हैं, शॉप सेलिंग वॉचेज, यानी शॉप जो घड़ी सेलिंग का सामान, शॉप सेलिंग आई ग्लासेस एंड वॉच, मेडिकल अप्लायंस एंड इक्विपमेंट शॉप, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कार स्पेयर पार्ट शॉप, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन शॉप। जी हाँ साथियों, ये 40 के करीब जॉब है। जी हाँ, ये बता दूं, ये जो जॉब मैंने नाम लिए है ना, ये सभी जॉब एससी के अंदर वाले जॉब है, बाहर वाला कोई भी जॉब नहीं है, सब शॉपों के अंदर की जॉब है। लगभग मैं बता दूं, अच्छा जॉब है, कलर्क वगैरह, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के अच्छे वाले जॉब है, ऑफिस के अंदर वाले, ये सब जॉब आने वाले टाइम पे सऊदी के लोगों को मिलेंगे। जी हाँ,
और इसके लिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं के भी किसी भी देश के लोग हों, सबको निकाला जाएगा। तो भाई आप समझ सकते हैं कि इतने सारे जॉब चले जाएंगे तो इंडिया के लोग या फिर कौन सा जॉब करेंगे, कंस्ट्रक्शन का, लेबर का काम, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तो इनसे निकाल देंगे। तो ये स्थिति आने वाली है सऊदी से रिलेटेड। बाकी ये नियम कब तक लागू हो जाएगा इसका मैं भी गारंटी नहीं ले सकता। बाकी आपको मैं थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जो उड़ती उड़ती बातें मैंने आपको बता दी। बस ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।